नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब। दोस्तों, हम लोग आप पहुंचे हैं आज चित्रकूट जिला, और चित्रकूट जनपद में से जुड़े हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के तपोभूमि। जब वो अयोध्या से वनवास में गए थे तो कहा जाता है कि चित्रकूट पे आए हुए थे। तो आज ये देखिए, ये जो नदी आप देख रहे हैं मंदाकिनी है, देखिए नाव के सवारी लोग करते हुए जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं। पानी देख लगता होगा पानी बहुत मेला लग रहा है, लेकिन लोग स्नान फिर करते हैं। श्रद्धा है अपनी, भक्ति है अपनी अपनी। ये आप नज़ारे भी देख सकते हैं, नदी को हमारा खड़े हैं नदी के उस पार। इस भव्य इमारत को आप देखिए, फिर हम आपको और आगे ले चलेंगे। अच्छा, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमसे बात करते हैं कहीं बात करते हैं। तो ये बात करते हैं, हमारे साथ एक श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, जो कि चित्रकूट आए हुए हैं। सर बताइए, सर बताइए भाई, बोलो आप कैसे, आपका आपका क्या नाम है, आपका परिचय? मेरा नाम ऋषि पांडे है, हम इलाहाबाद में रहते हैं। अच्छा, तो आज आप चित्रकूट आए हुए दर्शन करने के लिए, क्या विशेषता है चित्रकूट की आपको जो यहाँ खींचने मजबूर आप हो गए हैं? यहाँ पे यहाँ पे आमदन भगवान से मतलब कि कुछ अलग ही अपना लगाव है, तो मतलब कि आते हैं यहाँ पे। कहा जाता है इसी घाट पे तुलसीदास जी चंदन खींचते थे और तिलक करे रघुवीर, ऐसी एक दोहा मुझे पूरा याद नहीं आ पा रहा है। चंदन ये है चित्रकूट की घाट पे भाई संतन की भी। जी जी हाँ, देखिए बताते हैं हमारे साथ, बताइए सर। जैसे तिलक दे रघुवीर जी, यहाँ भगवान राम स्वयं आए थे और वो यहाँ पे हनुमान जी से उनका दर्शन हुआ जी। हमने ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है जी, और भगवान कामतानाथ यहाँ के मुख्य देव हैं, गुरु देवता हैं, और उनसे उनका जो आशीर्वाद है हम सबों के ऊपर है। और हम लोग हर 2-3 महीने पर जब भी ऐसा ध्यान बनता है, मन बनता है, हम लोग चित्रकूट आते हैं। पहले मंदाकिनी नदी में नहाते हैं, उसके बाद में फिर बाबा के दर्शन करते हैं, उसके बाद परिक्रमा करके कामतगिरी की फिर घर जाते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत मनोकामना पूर्ण होती है और बहुत अच्छा रमणीय और तीर्थ स्थल है ये, और मेरे हिसाब से हर श्रद्धालु को यहाँ आना चाहिए। और तो यहाँ के प्रोग्राम के बाद आपका अगला प्रोग्राम क्या है, कहाँ जाएंगे? सर यहाँ के बाद तो मैं अपना घर जाऊँगा, क्योंकि हनुमान धारा भी तो एक जो है बाकी के धार्मिक स्थल है जी। बाकी के 4-5 और जगह है, गुप्त गोदावरी हनुमान धारा है वो, एक्चुअली वहाँ के जाने के लिए समय का वो होना ज़रूरी था, तो चूँकि यहीं पे मुझे अभी मैं जस्ट आया हूँ और यहाँ के बाद अभी वहाँ जाऊँगा, मंदिर जाऊँगा, फिर परिक्रमा करूँगा, तो मेरी शाम हो जाएगी और शाम को मुझे वापस घर भी जाना है। तो इस वजह से थोड़ा मतलब ये है कि शाम को पहुँचने का टाइम नहीं है मेरे पास। बताया और श्रद्धालुओं को और यात्रियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप कि यहाँ पर सबको आना चाहिए? और यहाँ पे सबसे अच्छा आपको क्या लगा, जैसे आप भी आए यहाँ पे तो आपको कोई एक अच्छाई बता सकते हैं इसके बारे में, क्या खूबसूरती है इसमें? सभी एक्चुअली यहाँ का जो स्थल है, यहाँ की जो मंदिर है, यहाँ की जो संस्कृति है, वो बिल्कुल ही हमारे जोड़ने वाली होती है, धर्म से संबंधित जोड़ने वाली होती है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जो भी अध्यात्म से जुड़े लोग हैं वो उनको यहाँ आना चाहिए। आपको परिचय सर बता दीजिए, अपना परिचय बता दीजिए। सर मैं नित्यानंद पांडे इलाहाबाद का रहने वाला हूँ जी, और मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ जी। जी धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक महिला भी, उनसे बात करते हैं। बताइए आप चूँकि भगवान श्री रामचंद्र की तप की भूमि है ये, आप यहाँ पे आई मंदाकिनी में आपने स्नान किया या करने जा रही होंगी, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर के? तो बहुत अच्छा लगता है जी। मैं साल में एक बार दो बार तो आती हूँ जरूर जी, और कांतानाथ की परिक्रमा करती हूँ, और यहाँ कांतानाथ जी के 4 द्वार हैं, वहाँ पे लोग परिक्रमा करके दिया जलाते हैं और पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो अभी आप लौट जाएंगे कभी रहेंगे यहाँ पे आप? नहीं, हम लोग तो लौट जाएंगे अभी। अच्छा अच्छा, और जो भारत की महिलाएं हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ पे वो आने के संदर्भ में? हाँ, उन्हें आना चाहिए, यहाँ दर्शन करना चाहिए जी। ये बहुत पुण्य स्थली है, पुण्य स्थली है, यहाँ से रामचंद्र जी आए थे, सीता जी आई थी, और यहाँ सब उनके दर्शन होते हैं, साक्षात भगवान यहाँ आए हुए थे। चलिए, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते हैं और लोगों से। तो जैसा कि आपने देखा
हमारे साथ यहाँ पे कुछ आए हुए जो तीर्थयात्री श्रद्धालु हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया। एक नाविक साहब, उनसे हम बात करते हैं, इसके बारे में उनसे बात करते हैं, वो बेहतर बताएंगे। ऐसे चलिए जूता उतार करना पड़ेगा भाई, ऐसे बैठे रहो तो भी अच्छा लगेगा। भाई कोई बात नहीं, हम बैठ के आपसे बात कर लेंगे। हवा चल रहा है ना, बांधना। कोई बात नहीं, दो शब्द बोल दो बस हो गया। आप बताइए, आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ पे, यह मंदाकिनी नदी है, तो उस पार कौन सा तीर्थ स्थल उस पार है जो आप उस पार ले जाते हैं? उधर बनवासी राम मंदिर है जी, राम मंदिर है, राधा कृष्ण है, वीर हनुमान है। अच्छा अच्छा, ये चार मंदिर का दर्शन होके आता है। अच्छा, तो ये हमारे साथ नाविक साहब थे, अपना परिचय बता दीजिए नाविक साहब, अपना नाम परिचय। होरीलाल निषाद। तो लोगों को आप क्या दावत देते हैं यहाँ पे आने के लिए, उनको जो है निमंत्रण भेज रहे हैं, दे रहे हैं अपने द्वारा कि यहाँ पे लोग आए, उनको आने के लिए आदेश दे रहे हैं। यहाँ की क्या विशेषता है, सबसे ज्यादा अच्छी विशेषता यहाँ क्या है, अगर वो आए तो यहाँ क्या क्या घूमे? आपको चारों धाम आएगा, चारों धाम के बाद ये तुलसीदास जी और ये भरत जी जो है ना, जी जी, ये वनवास ने भर राम कहते हैं, भरत मिलाप यही हुआ था, ऐसा है क्या? भरत मिलाप यही हुआ है, और तुलसीदास ने चंदन भी खींच कर राम भगवान के तिलक हुआ। जी 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 जी, चंदन वो तुलसी और तिलक करत रघुवीर, ऐसे दोहा है अभी हम जो है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। भगवान श्री रामचंद्र जी ने 11.5 साल निवास किया, 11.5 वर्ष जी। जो रामचरितमानस में लिखा है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतों की भीड़, जी जी जी, अतुल सिदास चंदन से तिलक देत रघु, तिलक देत, जो दोहा हमें कंठस्थ पूरा नहीं था उस दोहा के इन्होंने पूर्ण किया, इसके धन्यवाद आपका। यहाँ भगवान तुलसीदास जी महाराज को श्री रामचरित भगवान रामचंद्र जी का दर्शन हुआ जी, और उन्हीं के कल्चर को आप, यानी तुलसीदास जी के कल्चर को बढ़ाते हुए, देखिए आप भी चंदन वगैरह जो है यहाँ रखा हुआ है, यह चंदन वगैरह जो लोग आते हैं यहाँ तीर्थयात्री श्रद्धालु या उनके चंदन लगवाना चाहते हैं, यहाँ चंदन घिस कर देखिए उसी तरीके से। ये क्या है, सिलोटी क्या बोलते हैं इसको? होरसी, होरसी। अच्छा अच्छा, होरसी, इसे चंदन घिसते हैं, ऐसा हल्का घुमा के दिखाइए आप किसे करते हैं। देखिए इस तरीके से मिला करके उसके बाद चंदन देते हैं। तुलसीदास जी के कल्चर को, यानी जो संस्कृति है उसको यहाँ पे यह जो है जारी रखते हुए। अच्छा, तो जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे जो आते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ सब लोग स्नान करता है, चंदन लगाता है, मत्स्येंद्र नाथ जी का मंदिर है ब्रह्मा जी द्वारा। थोड़ा सफाई के बारे में, जैसे कि आप देख रहे हैं मंदाकिनी नदी में सफाई नहीं होती, पानी का कलर बता रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? मंदाकिनी नदी में तो बहुत लोग, नेता लोग आए, लेकिन आज तक कोई किसी ने इसका जीर्णोद्धार नहीं किया, कोई जीवन उद्धार नहीं, इसका जीर्णोद्धार नहीं किया, ये देखना चाहिए थोड़ा सा। नदियों में दिखाते नदियाँ जो है हमारी जो है आत्मा है, वैसा है, ये है वो है, सोने पत्तल इतने पड़े रहते हैं। जी जी जी, साबुन को मना करो तो हम लोगों से आदमी लड़ता है जी, कम से कम एक दो, कम से कम साबुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि मंदाकिनी में ना ज्यादा स्वच्छता, गंगा मंदाकिनी का रूप जो है नाम दिया गया है इसमें, इसमें रघुवीर, इसमें भगवान श्री रामचंद्र भी स्नान किए हैं इसमें। हाँ, 11.5 साल भगवान श्री रामचंद्र अनसुईया जी के पति जी प्यासे थे, उनका नाम था त्रिमुनि। जी जी जी, तो यहाँ घोर जंगल था, वन वन में घूम डाला, लेकिन कहीं चेती की भी प्यास बुझने के लिए जल नहीं। जी जी जी, तब फिर अनसुईया जी ने कहा कि अगर हमारे पतिव्रता में शक्ति हो तो हमको एक कमंडल जल मिल जाए। जी, तब ये वहीं से ये माँ मंदाकिनी की धारा प्रकट हुई। जी, ये यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाकर के जमुना जी में मिली हुई, ये नदी जाके जमुना जी। हाँ, यहाँ यहाँ तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखा। जी जी, आज भी वहाँ रामचरित मानस तुलसीदास जी के रचित लिखा हुआ रखा हुआ। जी जी सर, अपना परिचय बता दीजिए आप। मेरा नाम है संदीप कुमार तिवारी जी, मैं नया गाँव का रहने वाला। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, पंडित तीर्थ पुरोहित के रूप में आप काम करते हैं। चलिए, जैसा कि आप जाने, अगर यहाँ पे आप आए तो इनके जो है यहाँ इन्होंने देखिए चंदन, इसे जरूर लगवाने के लिए आप लोग आइएगा। बहुत दिनों से यहाँ, कितने दिनों से आप सेवा दे रहे हैं यहाँ पे लोगों को? करीब 15-16 साल, 15-16 साल से इनका इनको अनुभव है। तो जैसा कि नदियों पे आपने देखा, नदियों पे इन्होंने भी चिंता जताई और नदियों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और देखिए आप, पूरे स्थल को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जो यहाँ पे धार्मिक स्थल है चित्रकूट का, यह राम गंगा कूप है, तो पूरा घूम के ले लो पूरा। ये राम गंगा भी हम आपको आगे ले चलेंगे और वीडियो में दिखाएंगे। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इंडिया पोस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नई नई वीडियो लेटेस्ट प्लेस पे लेटेस्ट वीडियो आपको बनाकर हम भेजते रहेंगे। तो
तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया पोस्ट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।